खरगोन जिले की बीज उत्पादक समितियों ने कृषक बीज उत्पादन संघ भोपाल के बैनर तले अपनी मूलभूत मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि बीज उत्पादन समितियों ने किसान के चने और चने की फसल के मानक स्तर का बीज तैयार करके कृषि के लिए दिया है, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस बात पर संघ जिला प्रशासन के सम्मुख पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। खरगोन से संवाददाता की रिपोर्ट। उत्पादक संघ भोपाल के बैनर तले खरगोन जिले के समस्त बीज उत्पादक समितियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी समस्या है कि हमारे द्वारा गत वर्ष में गेहूं चने का जो बीज कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि विभाग को दिया गया था, उसका भुगतान हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले खरीफ वर्ष में सोयाबीन का बीज भी हमारे द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्रदाय किया गया है, इसका भुगतान भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारी यही मांग है कि इसका भुगतान अतिशीघ्र हमें कराने की कृपा करें। साथ ही रवि वर्ष 2017-18 में कृषकों को 265 रुपये का जो बोनस राशि प्रदान करने का आया था, उसमें बीज उपभोक्ताओं उत्पादकों को भी आया है, जिसमें छिंदवाड़ा ज़िले में और अन्य कुछ ज़िलों में कृषकों को भुगतान हो चुका है, लेकिन खरगोन जिले के कृषकों को अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि अतिशीघ्र कृषकों का भुगतान किया जाए। ऐसा कितना भुगतान होगा? करीब 9 करोड़ रुपया प्रदेश का। जिले का कितना होगा? जिले में करीब 1.5 करोड़ रुपये। कब से बाकी? 2017-18 से। क्या नाम है आपका? पंकज सुगंधी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।